आपने देखा होगा किसी भी मोबाइल नंबर में स्टैंडर्ड नंबर 10 होते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसको बढ़ाकर कुछ ही दिनों में 11 से 13 नंबर कर दिया जा सकता है तो सुनने में आपको शॉकिंग लगेगा। लेकिन अभी ना ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इसको लेकर कुछ रिपोर्ट सामने आई है कि नेशनल नंबरिंग प्लान को रिवाइज किया जा सकता है। और इससे पहले इसको 2003 में रिवाइज किया गया था, यानी कि 21 साल पहले, और इसको रिवाइज करेगी ट्राई, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो कुछ रिपोर्ट्स में ये माना गया है कि जैसे अब 5G नेटवर्क आ चुका है और इसकी वजह से जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मोबाइल यूजर्स हैं, उनकी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। सो इसी डिमांड को देखते हुए जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है नंबर्स प्लान करने में। सो इस नंबर प्लानिंग को बेटर बनाने के लिए, इस इशू को सॉल्व करने के लिए ये माना जा रहा है कि अब नंबर सीरीज में चेंज किया जा सकता है। सो अब आने वाले टाइम में 10 की बजाय जो आपका मोबाइल नंबर है वो 11 से 13 नंबर्स का हो सकता है। सो मुझे लगता है इससे हो सकता है काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसके पीछे जैसे मैंने बताया काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं। सो इससे पहले जो ये नेशनल नंबरिंग प्लान में रिविजन किया गया था ये 21 साल पहले किया गया था, तो तब उसके बाद इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है। और स्पेशली सबसे बड़ा रीज़न इसका यही है कि जो सब्सक्राइबर्स हैं, मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं, जिसे हम फ़ोन नंबर्स का यूज़ करते हैं, उनकी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और मतलब आप ही सोचिए, नंबर जो है 444x 5x हो चुका है। सो अब आप सोच रहे होंगे कि नेशनल नंबरिंग क्या होता है, तो ये एक टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर होता है जो कि पहचान करता है आपके मोबाइल नंबर की। इसी में मैं आपको एक डेटा बता देती हूँ कि अभी तक देश भर में 750 मिलियन टेलीफोन कनेक्शंस हैं और आने वाले टाइम में इसका नंबर्स और तेज़ी से बढ़ सकता है। तो इसी को बैलेंस आउट करने के लिए जो नई नंबर सीरीज़ है उसको लागू करने पर अभी काम किया जा रहा है। सो जैसे मैंने बताया, कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट सामने अभी नहीं आई है कि एक्चुअली में लागू होगा या कब से लागू होगा। सो इस प्लान को लेकर ट्राई ने ना बहुत से यूज़र्स का जो ओपिनियन है वो भी मांगा है, एक सलाह भी मांगी है कि इसको और बेटर करने के लिए क्या किया जा सकता है। सो इसके लिए ट्राई ने जो इन्फॉर्मेशन है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट की है, और जैसे मैंने बताया सबसे सलाह मांगी गई है। तो आप चाहे तो ट्राई की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और अपना कोई भी फीडबैक या ओपिनियन है इस नई नंबर सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए वो सजेशन आप वहाँ पर दे सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि बहुत लंबे टाइम बाद नेशनल नंबरिंग प्लान में चेंजेस किए जा रहे हैं, सो मुझे लगता है कि ये नीडेड भी है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत चैलेंजेस हो जाएंगे और जिस तरीके से नंबर बढ़ रहा है उस हिसाब से टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। सो आप चाहे तो अपना कोई ऐसा यूज़फुल सजेशन ट्राई की वेबसाइट के साथ साथ हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सो ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, इंटरेस्टिंग लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे अपडेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।